नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, जहां भाजपा को 17, जदयू को 16, चिराग पासवान को 5 और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीटें दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें, सबको इंतजार था उम्मीदवारों की घोषणा का और आज जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें, अपने प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जो 16 उम्मीदवार होने वाले हैं जदयू के, उनके नामों की घोषणा हुई है। तो वहीं आपको बता दें, कुछ ऐसे भी नेता है जिनका पत्ता इस बार कट गया है, जिन्हें इस बार सीट नहीं मिली है। हम आपको बता दें, जदयू में वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, तो शिवहर से लवली आनंद को मौका दिया गया है। तो वहीं देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी, रामप्रीत मंडल को झंझारपुर, दिलेश्वर कामत को सुपौल मिला है। तो आपको बता दें, किशनगंज से मुजादिद आलम, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, तो वहीं गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से तो अजय कुमार मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बांका से गिरधारी यादव और मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, तो जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें, कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका टिकट इस बार कट गया है। आपको बता दें, महाबली सिंह का टिकट कट गया, क्योंकि यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चली गई। तो वहीं गया में विजय मांझी का टिकट कट गया, क्योंकि वह सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिल गई है। आपको बता दें, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया, क्योंकि उनकी वजह से दिनेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं सिवान में कविता सिंह का नाम कट गया, उनकी जगह पर राजलक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, जेडीयू ने 11 उम्मीदवार को पिछड़ा और अति पिछड़ा को टिकट दिया है, 3 सवर्ण जाति को टिकट दिया है, तो वहीं 1 अल्पसंख्यक और 1 हरिजन जाति को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, तमाम जो 16 सीट जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है, उस पर जो उम्मीदवार होंगे, उसकी घोषणा आज कर दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की गई थी। आपको बता दें, एक बार फिर बिहार एनडीए में बीते दिनों जब सीट शेयरिंग हुई, तो भाजपा के पाले में 17, जदयू के पाले में 16, चिराग के 5 और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पाले में एक एक सीट मिली। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा, जिसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने केंद्र मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं लालू यादव से उन्हें उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी उन्हें मायूस होना पड़ा। तो अब वो कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उनकी बात बन जाए, ताकि वो हाजीपुर में अपने भतीजे चिराग पासवान के आमने सामने आने वाला चुनाव लड़ सके। हालांकि वहां भी अभी कोई बात ठोस बनी नहीं है, लेकिन इधर जदयू ने अपने तमाम उम्मीदवारों का जो नाम है वो चुन लिया है, किस सीट से कौन से उम्मीदवार लड़ने वाले हैं इनकी घोषणा कर दी गई है। कुछ ऐसे भी नेता है जिनका टिकट इस बार कटा है, किस सीट से कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं और किनका नाम इस बार जदयू ने काट दिया है, हमने आपको बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।